जय दोस्तों, बोला सोला जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब और आपके पेट्स बढ़िया मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे हस्की के बारे में, क्या हस्की इंडियन क्लाइमेट में या हॉट वेदर में ये सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों के मिथ हैं या फिर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये हस्की यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये हम जहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल ये जोधपुर है और जोधपुर का टेम्परेचर आज तकरीबन 43-44 डिग्री तक जाता है और इस क्लाइमेट में भी तकरीबन मेरे को लगा है जोधपुर में 26-27 हस्कीज हैं अभी भी, और जिसमें से 13-14 तो हमने ही दिए। उन सबको मैं जानता हूँ पर्सनली, 13-14 तो मेरे कॉन्टेक्ट में ही रहते हैं, उनसे भी मेरी रोज़ बात होती रहती है। मैं उनके पास जाता हूँ मिलने, जैसे अभी आया हुआ है मेरे पास, मैं देख ही रहा हूँ। हस्कीज को आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा इसका क्लाइमेट को मतलब आपने क्लाइमेट इसका देना पड़ेगा, बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। तकरीबन मैं मानता हूँ, मेरा जो मानना है कि अगर आप 30 डिग्री से नीचे 30 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो तो हस्की इजीली आपके घर में सर्वाइव कर सकता है, भले वो कूलर के माध्यम से करो या आप एसी के माध्यम से करो। हाँ, इंडोर डॉग है, आपको उसको वो टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। और दूसरा, आप अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे से पहले इसको अगर आपको वॉक देनी है तो तब दे दो, और फिर देनी है वॉक तो लेट नाइट, तो बीच वाले टाइम में आप उसको बाहर मत निकालो, कि फिर उसको दिक्कत हो सकती है, डिहाइड्रेट हो सकता है। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आप उसको वॉक दे सकते हो, कोई इशू नहीं आता। आप टेम्परेचर इसका मेंटेन रखो, 30 डिग्री से नीचे वाली वो कूलर से कर दो आप, हम तो कूलर से भी करते हैं, कूलर से भी रहता है, कोई इशू नहीं है। ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तब एसी चलाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर हम ये कूलर पे रखते हैं। और डॉग को ज़्यादातर हेल्दी वो कूलर या फिर आप पंखे में रखते हो तो ज़्यादा ठीक रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। एसी में रखोगे तो फिर बाद में बाहर तो कभी ना कभी तो आप बाहर लेके जाओगे, फिर उसको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए क्योंकि टेम्परामेंट की बात की है, देखिए ये एक्चुअली ये कोई वॉच डॉग या गार्ड डॉग नहीं, ये एक फैमिली डॉग है। आप इनसे अपेक्षा करें कि ये हम मुझे प्रोटेक्ट करेंगे या गार्ड करेंगे, ये बाइट कर लेंगे किसी को या फिर किसी बड़े फार्म हाउस में ये उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, नहीं, ये नहीं होगा इनसे। ये एक फैमिली डॉग है, ये घर में रख सकते हो आप अपने साथ में, अच्छा है, स्वीट है, दिखता है, बढ़िया टेम्परामेंट होता है, कोई इशू नहीं आता। हाँ, ऐसे नहीं है कि एग्रेसिव हो जाएगा, ये वो नहीं, कोई एग्रेसिव नहीं होता। हाँ, आराम से ये मतलब, पर इनसे अपेक्षा ना करें आप कि ये मेरे को कोई आएगा तो इसको बात करेंगे या फिर इसको किसी को बाइट करेंगे, नहीं करेंगे, गार्ड डॉग नहीं है। हाँ, वॉच डॉग का काम कर सकते हैं, जैसे अब ये है, ये प्रॉपर वॉच डॉग का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी घर में आएगा, डोर बेल बजेगी, ये बात करते हैं, ये आपका हो सकता है, ये इसमें मैं मना नहीं करूँगा कि वॉच डॉग भी नहीं करेगा। हाँ, वॉच डॉग कर सकते, कोई इशू नहीं है। हस्की को हम फ्लैट्स में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप फ्लैट में रख सकते हो इसको इजीली, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, पर वॉक या एक्सरसाइज इसको ज़रूरी है, क्योंकि ये साइबेरिया की ब्रीड है। तो पहले अब आपको पता है कि हस्की वर्किंग लाइन में ही यूज़ होता था, किसी कर्ट को यहाँ से वहाँ ढोने के लिए ये डॉग्स को यूज़ किया जाता था, अब इनको पेट बना लिया है। तो हालांकि अब इनको एक्सरसाइज हो सके तो आप दीजिए, ताकि, और दूसरा रहा इनके खाने पीने की बात, तो प्रोटीन इनको बहुत ज़्यादा नीड है, और दूसरा कब से इनको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट से इसको थोड़ा सा कम रखें, मतलब ऐसे नहीं कि आप ग्रेन ही ग्रेन खिलाओगे तो आपका हस्की इतना सुंदर और ऐसा नहीं रहेगा, वो मोटा हो जाएगा या फिर वो ओवरवेट हो जाएगा, वो फिर अच्छा नहीं रहेगा, उसके लीवर के लिए भी अच्छा नहीं है, और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो बिल्कुल भी फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आपको इस क्लाइमेट में भी रखना है तो आपको प्रोटीन डाइट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहना पड़ेगा, और प्रॉपर प्रोटीन इसको देना पड़ेगा। अब रही इनकी प्राइस की बात, कि इनके पपीज कितने में आते हैं, क्या रहता है, ये डिपेंड करता है सीज़न पे, कि भाई अब गर्मियों के टाइम इनका रेट कम होता है, विंटर्स के टाइम इनका प्राइस बढ़ जाता है। और दूसरा, इनके कोट कलर और आइज के ऊपर भी इनका प्राइस वरी करता है।
जिसे उसमें ज़्यादातर क्या ब्लैक एंड वाइट और कॉपर एंड वाइट और प्योर वाइट, आजकल प्योर वाइट भी हो गया है आता है। दूसरा इनका ये रहता है कि इनकी आईज में एक ब्लू आईज आती है, ग्रीन आईज आती है, एक ऑड आईज आती है और एक नॉर्मल आईज आती है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा चलता है वो जो अभी ट्रेंड में है ज़्यादातर कॉपर एंड वाइट या ब्लैक एंड वाइट विद ब्लू आईज। ये तीसरा इसका मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी मार्किंग क्या है। अब जैसे अब ओशियन की मार्किंग है वो डेविल बना हुआ है, ओशियन इधर दिखाओ, डेविल दिखाओ बेटा, ये देखिए प्रॉपर डेविल बना हुआ है। अगर इस मार्किंग का बच्चा लोगे तो फिर आपको थोड़ा सा कॉस्ट हो सकता है, 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा भी पे करना पड़े। अभी रिसेंट जो कास्ट चल रहा है हस्की का वो 30-35 थाउजेंड के आसपास आपको इजीली ब्लू आईज मेल फीमेल, हाँ मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, मेल फीमेल सेम ही प्राइस होते हैं इसमें, इसमें कोई फीमेल सस्ती वाला सीन नहीं रहता। 30-35 थाउजेंड में आपको ब्लू आईज एक अच्छी मार्किंग का बच्चा आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने भाई आपको कहीं भी पब्लिकली आपने इसको लेके जाना तो पक्का इसको है ना सोशलाइज करना ज़रूरी है, डॉग के साथ सोशलाइज करें, ह्यूमंस के साथ सोशलाइज करें, ताकि क्या है ना कि ये इजीली वहाँ पे अपने आप को कर सकते, क्योंकि अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग कहीं अगर आपको कभी पब्लिकली लेके जाना है या फिर आप ऐसे कोई पार्क में जाते हैं तो पक्का इनको सोशलाइज कर देना, ताकि डॉग के साथ सोशलाइज रहेंगे या ह्यूमंस के साथ रहेंगे तो फिर क्या है कि इनको थोड़ा सा भयमुक्त टाइप का रहेंगे ये लोग, मतलब क्या है ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट पहले करना चाहते हैं, ये चीज़ इनमें इनके इनके टेम्परामेंट में ही है, ये आप समझ लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा ओशियन का नाम ओशियन है, ओशियन भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई भी क्यूरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, आगे हमारा नंबर मेंशन है। कोई भी डॉग रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, कोई भी चीज़ पूछनी है आपको या उसके डाइट चार्ट के बारे में या कुछ क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, वो सब चीज़ आप हमसे क्यूरी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 24 घंटे हम लोग उपलब्ध हैं, हमारे फ़ोन नंबर आगे आपको दिए हुए हैं। हॉस्टल फैसिलिटी के लिए हमने बताई है आपको, हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे पास में है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाते रहें, और ब्रीडों को हम नई नई ब्रीडों को इंट्रोड्यूस करते रहें। जैसे अभी हस्की हो गया है, जल्दी आपको एक और अच्छी ब्रीड से, ब्रीडें तो सब अच्छी हैं, आपको सभी ब्रीडों से हम चाहते हैं कि सभी ब्रीडें जितने हमारे से हो सके हम आपको उनके बारे में अवगत करवाएं कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स है, और ताकि आपको फर्स्ट टाइम ओनर्स को ये प्रॉब्लम ना आए, ना फेस करनी पड़े, या फिर आप जब पेट ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर वो नहीं रहे कि हमें कौन सा लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए। ओके वेलकम, थैंक यू सो मच। तो अपने पास हस्की के अंदर अभी ये अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो मार्किंग है प्रॉपर डेविल बन रहा है, ब्लू आइज है, प्रॉपर मार्किंग, बहुत हेल्दी बच्चा है, कम से कम अभी 5-6 kg बॉडी वेट है इसका, बहुत हेल्दी बच्चा है। 45 डेज का है, वैक्सीनेशन कंप्लीट है, कल ही इसको वैक्सीनेशन लगा है। आप चाहें तो जो मैंने वीडियो में हस्की दिखाया ओशन, सेम उसके जैसा आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर जिसको भी ज़रूरत है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी दी हुई आगे, आप कृपया करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।